the end. चाचू 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 बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा क्या हुआ बेटा सिमरन? कल आयशा के घर में पॉटलक पार्टी है। दीदी मैंने बैड लक भी सुना है, गुड लक भी सुना है, लेकिन ये पॉटलक क्या होता है? अब बेटा पॉटलक वो होता है जहाँ सारे गेस्ट घर से खाना लेकर आते हैं और फिर सब लोग साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। वैसे सिमरन इसमें इमरजेंसी क्या है? अरे चाचू मुझे कैरमल कस्टर्ड बनाना है। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, डेजी बना देगी ना। डेजी डेजी चाचू आप भूल गए क्या बेटा? वो डेजी दीदी के हाथ में चोट आई है। अय्या वो दो दिन तक नहीं आएंगी। ओ, मैं भूल गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बना दूंगा। फ्रेंच टोस्ट नेवर, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि दीदी की पॉटलक पार्टी है, बैड लक पार्टी नहीं। करेक्ट। चाचू मैं तो कहती हूँ डेजी दीदी को फोन करके पूछ लेते हैं कैरम कस्टर्ड कैसे बनता है। वाओ ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट। एक मिनट। हाँ बच्चों। हेलो मेहता सर। हेलो। हाँ विवेक जी। सर स्क्रिप्ट रेडी है? जी सर बिल्कुल रेडी है। गुड, वेरी गुड। तो काम करो, एक घंटे में मेरे सेट पे आ जाओ, हम लोग स्क्रिप्ट सुनेंगे। हाँ सर, नो प्रॉब्लम सर, अभी आता हूँ। सर सर वो मैं स्क्रिप्ट सुनाने नहीं आ पाऊंगा। सर वो क्या है ना कि कैरमल कस्टर्ड बनाना है पॉटलक के लिए। विवेक तुम जानते हो ना ये स्क्रिप्ट से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। जी सर। फिर भी नहीं आओगे? नहीं सर। सर पहले मेरे बच्चों के लिए कैरमल कस्टर्ड, फिर स्क्रिप्ट रीडिंग। ठीक है तो मैं ही आ जाता हूँ। ओके सर, बाय सर। आता हूँ। ओके लेट्स गेट रेडी फॉर प्रोजेक्ट कैरमल कस्टर्ड। हलचल हलचल रुक मत चल 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 जोर लगा के चाचू रे हैया। हड़बड़ हड़बड़ हिम्मत हिम्मत डट कर 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 चाचू के हैं कहने भाई क्या हुआ। आगे रहो चाचू, जागे रहो चाचू, खिले रहो चाचू, यू ही तुम तो लगे रहो चाचू, लगे रहो चाचू, लगे रहो चाचू। ए चाचू। अरे चाचू ऐसे नहीं। आप इधर आइए, आप इधर आइए। हम भी आपकी हेल्प करें। अरे बच्चों तुम लोग क्या हेल्प करोगे? टेस्ट करने में। ये भी तो जानना चाहिए कि कैरमल कस्टर्ड कैसा बना है। सोनू कैरमल कस्टर्ड अभी तक बना नहीं है, एक बार बन जाए तो फिर तुम दोनों खा लेना। चाचू हम और कितनी देर रुके? बस कुछ घंटे और। ओके चलो अब जाओ। थोड़ी देर माना। बात है सोनू, कुछ घंटे हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे सोनू कुछ घंटों में कितने घंटे होते हैं? अय्या खुशबू कैरमल कस्टर्ड की, मुझे भी चलो जाके देखते हैं। क्या बात है। वाओ चाचू वी हैव डन इट। Yes, we have done it. लेकिन सिमरन इसमें कुछ मिसिंग है ना? मिसिंग? क्या? चेरीज। डेजी दीदी ने मुझे कहा था कि चेरीज आर मस्ट। करेक्ट। तुम एक काम करो, तुम इन्हें फ्रिज में रखो, चेरीज लेकर आता हूँ। ओके? सिमरन, सुनो, जब तक मैं आऊँ ना, तब तक तुम प्लीज सोनू और सानिका का ध्यान रखना, और अगर कोई डोरबेल बजाए
प्लीज दरवाजा तुम खोलना और अगर कोई अनजान हो तो दरवाजा मत खोलना। करें ओके बस काउंट कर रहे थे। कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी काउंट कर चुकी। दीदी कस्टर्ड तो बेक हो चुके हैं, क्या अब हम इन्हें खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अभी कस्टर्ड ठंडे हो रहे हैं ना, और उसमें चेरीज डालना भी बाकी है, तो बाद में ओके। सिर्फ ये खाने दो प्लीज। नहीं, वैसे भी पेट के अंदर जाके चेरी और कस्टर्ड एक होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। कलिंगर 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 आम संतरा सेब। या आपके पास चेरीज है? इस मौसम में आपको चेरी तो नहीं, कैरी मिलेगा, वो भी पका हुआ। लेकिन मुझे कैरी नहीं, चेरी चाहिए, और वो भी पका हुआ। वो के लिए तो आपको कचहरी जाना पड़ेगा साहब। कचहरी कोर्ट? नहीं नहीं, वो कचहरी के बाजू में शॉपिंग मॉल है, वहाँ आपको कैंड चेरी यानी कि डिब्बा बंद चेरी मिल जाएगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सानिका, दीदियाँ नहीं है, यही मौका एक एक कस्टर्ड खा लेते हैं। क्या हुआ सुनो, कुछ चाहिए? पानी चाहिए था, जाऊं अंदर? नहीं नहीं, मैं पानी चाहिए ना, वहां पानी रखा है। हम कस्टर्ड कब खाएंगे सोनू? पेशेंट सानिका, पहले हम स्पेशलिस्ट को फीस देने, फिर हम खाएंगे। कौन स्पेशलिस्ट? अब क्या करेंगे सोनू? अब हमें स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी होगी। कौन स्पेशलिस्ट? एक मिनट। हेलो हेलो। हे ब्रो सब। हे नीर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? क्या हुआ सो? वो बस इतनी सी बात? ब्रो नो प्रो। नो प्रो? नो प्रॉब्लम सो, नो प्रॉब्लम। लेकिन दीदी तो किचन के डोर पे ही बैठी हुई है। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ध्यान से सुनो। क्या ब्रो? ओके, इट्स टाइम फॉर एक्शन। लगता है नीर आ गया। सानिका उधर नहीं, मेन डोर पे जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। करने की कोई बात नहीं है सानिका, तुम्हें कस्टर्ड खाना है ना, तो तुम डोर खोलो, मैं सब संभाल लूंगा। रुको सानिका, चाचू ने मुझे डोर खोलने को कहा है, तुम जाओ ओके। कौन है? जॉन स्पैरो। ये विकी की फैंसी ड्रेस पार्टी यहीं पे है ना? नहीं, ये फ्लैट नंबर 500 तो ये ना? हाँ। तो फिर पार्टी भी यहीं पे होगी। बस ये दो सिमरन दीदी के लिए और चाच के लिए। देखो ये फ्लैट नंबर 502 ए विंग है। तुम्हें किस विंग में जाना है? अच्छा अच्छा, वो मेरे को बी विंग में जाना था। ओके सॉरी बाय। हम कस्टर्ड कब खाएंगे सोनू? पेशेंट सानिका, पहले हम स्पेशलिस्ट को फीस दे दें, फिर हम खाएंगे। धनिया आ गया, लो चाओ। अरे नीरव तो? हाय सरुन दीदी। हाय। और सोनू है? अंदर है, पर तुमने ये आई पैच क्यों लगा हुआ है?
वो एक्चुअली विक्की की फैंसी ड्रेस पार्टी है ना, तो उसके लिए आई पैच है और मैं सोनू से जूते मांगने आया था. ओके. ये लो दो जूते ना. हाँ, पूरे दो जूते. चलो थैंक्स ब्रोकी सिस. बाय समृद्धि दीदी. बाय. मन भी भर गया, पेट भी भर गया, मजा आ गया. सोनू लेकिन दो नीरज भैया ने खाए, हमने तीन तीन खाए, तो अब फ्रिज में से दो बचे. हाँ तो रह गए. अगर सिमरन दीदी को पता चल गया तो क्या होगा? हमें कुछ सोचना पड़ेगा. हेलो नीड. हाय सो. अब क्या हो गया? ओके ब्रो. नो ब्रो, आ रहा हूँ. ओके नीड. विकी के फैंसी ड्रेस पार्टी में जाने वाले थे. हाँ, वो एक्चुअली उसका घर किसी को मिला ही नहीं, तो मैं सोचा मैं सोनू और सानिका के साथ खेलने आ जाऊँ और सोनू के जूते उसे लौटा दूँ. अच्छा ठीक है, तुम लोग खेल लो. अच्छा नीरव, अच्छा हो गया तुम आ गए. देखो जब तक मैं वापस ना आऊँ ना, तब तक इन दोनों को किचन में एंटर मत करने. ओके. बिल्कुल. मुझे अपना होमवर्क करना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ. ध्यान रखना, दे आर वेरी नॉटी. नो प्रो ब्रो. अरे नीड्स, ये क्या कर रहे हो? स्पेशलिस्ट की फीस है. नहीं नहीं, इमरान दीदी हमें नहीं छोड़ेंगी. अरे तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं अभी आ गया हूँ ना. तुम जाओ सिमरन दीदी पर नजर रखो. ओके. Yo bro, तुम्हारे कैरमल कस्टर्ड रेडी है. Wow, yes. आखिर स्पेशलिस्ट हूँ, बस इसमें चेरी की कमी है. चेरी तो चाच लाने वाले हैं. चाच आ गए, जल्दी. हाय नीरव. बाय अंकल. अरे इसे क्या हो गया? सिमरन ये देखो, मैं चेरीज ले आया. वो कैरमल कस्टर्ड अब तक जम चुकी होंगे ना. सिमरन इनका कलर कुछ डार्क नहीं लग रहा? क्या कैरेमल कस्टर्ड तो डार्क ही होता है. हाँ वो तो है, लेकिन शायद फ्रीज होने के बाद डार्क आए हो गए होंगे. हाँ. चलो इन पर चेरीज डालते. ओके, तो हो गए तैयार हमारे कैरेमल कस्टर्ड विद चेरीज. अरे बच्चों तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, खाओ. हमें नहीं खाना. इसका मतलब है अभी नहीं खाना. डेजर्ट तो डिनर के बाद खाते हैं ना. ओह सो स्वीट. ओके. ओहो लगता है मित्ता साहब आ गए. बच्चों देखो ये स्क्रिप्ट रीडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ज्यादा शोर मत मचाना. ओके चाचा. ओके चाचू. एक सेकंड सर. अंकल जब तक आप वेट करते हैं ना, तब तक मैं आपके लिए कैरेमल कस्टर्ड ले आती हूँ. अच्छा है ना अंकल? कैसा लगा सर?
मेहता सर आइए ना. हेलो विवेक. हेलो, हाउ आर यू? गुड सर, गुड. हाउ आर यू? चलो चलो. अच्छा 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 विवेक जी, मुझे ये बताओ स्क्रिप्ट रेडी है ना? हाँ सर, बिल्कुल रेडी है. चलो वेरी गुड. तो हम जल्दी से स्क्रिप्ट सुनते हैं क्योंकि मेरे पास ना टाइम बहुत कम है. जी सर, एक मिनट. हाँ एक. क्या हुआ विवेक? मेरा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा. विवेक तुम्हारा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है कि तुमने स्क्रिप्ट ही लिखी नहीं है? सर मैंने स्क्रिप्ट सुबह को ही कंप्लीट कर ली थी, प्रॉमिस. तो फिर मुझे यहाँ क्या टाइम बर्बाद करने के लिए बुलाया है? नहीं सर, सॉरी सर, एक सेकंड सर. अंकल जब तक आप वेट करते हैं ना, तब तक मैं आपके लिए कैरेमल कस्टर्ड ले आती हूँ. ओके? नो. क्यों? ये कैरेमल कस्टर्ड तो पॉटलक पार्टी के लिए है ना. अरे सोनू उसमें क्या है, वो तो फिर बन जाएंगे, है ना चाचू? ऑफ कोर्स. आराम से, आराम से. कस्टर्ड है कस्टर्ड. थैंक यू सोनू साले. तुम लोग भी खाओ ना. नहीं नहीं नहीं, सुबह से तो तुम लोग खाना चाह रहे थे, अब तो पूरी तरह तैयार भी हो चुका है. अब क्या हुआ? लो. हमें नहीं खाना प्लीज, हमें भूख नहीं है. कोई बात नहीं बेटा, काम करो ना इनके हिस्से के, मैं वो भी खा लूंगा. जरा ये तुम्हारी दुकान हटाओ. कस्टर्ड. अच्छा है अंकल. कैसा लगा सर? आपको पता है मैंने और सिमरन ने अपने हाथों से बनाया. अरे खाइए ना सर, शर्माइए मत. हाँ. अरे खाइए ना सर. कैरेमल कस्टर्ड बना रहे थे ना, तो मैंने सोचा कुछ तो बैकअप होना चाहिए, मैं भी बना कर ले आई. थैंक यू डीजी, थैंक यू सो मच. एटलीस्ट अब सिमरन की पॉटलक पार्टी तो सक्सेसफुल जाएगी. थैंक यू चार्ज. आपकी स्क्रिप्ट. अरे सर आप यहाँ? अरे वो क्या हुआ विवेक, मैं मेरी बैग यहाँ पे भूल गया, इसलिए वो लेने आया था, पर ये फैमिली को देख के बहुत खुश हुआ. मुझे वो अच्छी लगी ना तो मैं जरूर उस पर तुम्हारे लिए फिल्म बनाऊंगा. थैंक यू सर. वाओ, इस खुशी पे कुछ मीठा हो जाए. सर स्वीट कैरमल कस्टर्ड. नो. Bye. Bye.